तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश और कम्युनिकेशन के अंदर अगले टॉपिक को, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स होते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। और बेसिक रूल्स हैं, वो सारे रूल्स आपके इजिली आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और इजी तरीके से आप इजिएस्ट वे में इन सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। पहले भी आपने पढ़ा होगा इन सारी चीजों को, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा क्या है, रिविजन है वो चीजों का, बाकी कुछ नहीं है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो भी वर्ड्स होते हैं उस वर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स दैट विच इज पोजिशनड और प्लेस्ड बिफोर द प्रीपोजिशन, यानी जो किसी भी सेंटेंस में पहले या बाद में आके उस सेंटेंस को काफी सूटेबल बनाते हैं वही प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एंड दिस अ प्रीपोजिशनड इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द, यानी किस चीज को शो करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड द सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी रिलेशनशिप प्रोवाइड करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं नाउन और जो आपके प्रोनाउंस होते हैं उनके बीच में। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है एग्जाम्पल द स्टूडेंट सेट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ऑन क्या है, ऑन आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के तरह ये वर्क कर रहा है। इसी तरीके से द बॉय वाज सिटिंग इन द कार, तो यहाँ पे इन क्या है, इन आपका एक प्रीपोजिशन है। ओके, थर्ड आपका एग्जाम्पल कह रहा है कि आई एम गुड फाउंड ऑफ मैंगोज, तो यहाँ पे ऑफ क्या है, ऑफ भी आपका एक प्रीपोजिशन है जो कि वर्ड को काफी इफेक्टिव बना रहा है, सेंटेंस को काफी इफेक्टिव बना रहा है। ओके, इसके यहाँ पे अगला है आई एम गोइंग विथ राहुल, तो यहाँ पे विथ क्या है, विथ आपका एक प्रीपोजिशन है। ओके, और यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं प्रीपोजिशन के जिनका डिस्कस करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, और यही टाइप आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो क्या है, सबसे पहला आपका है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसमें आपका क्या आता है, इन आता है, ऑफ, एट, बाय, फॉर, ऑफ, ऑन, आउट, अप, विथ, टिल, टू, थ्रो, विथ, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर आती है। जैसे कम इन द क्लास, तो यहाँ पे इन क्या है, एक सिंपल प्रीपोजिशन है। ही कंबाइंड अप द माउंटेन्स, तो यहाँ पे ही क्लाइम्ड अप माउंटेन, तो यहाँ पे अब क्या है, अब आपका एक सिंपल प्रीपोजिशन है। ओके, अगला आपका आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि दीज प्रीपोजिशन आर यूजुअली फॉर्मड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन, जिसमें आपका जनरली ए और बी एंड टू अ नाउन एंड एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, यानी ये प्रीपोजिशन यूजुअली फॉर्मड होते हैं प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन के द्वारा टू अ नाउन एंड एडजेक्टिव ऑन एन एडवर्ब, एंड दे इंक्लूड, ये क्या क्या होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, आपका विद इन होता है, विदाउट होता है, आउटसाइड होता है, अक्रॉस होता है, अमोंग होता है, अराउंड, बिहाइंड, बिफोर, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, एडमिस, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, आपके कंपाउंड ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर ये सारी प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल अ रिवर फ्लो बिलो द ब्रिज, तो यहाँ पे बिलो क्या है, बिलो आपका एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। एंड डू नॉट स्पीक इल ऑफ अ पर्सन बिहाइंड हिज बैक, तो यहाँ पे आपका बिहाइंड क्या है, बिहाइंड भी आपका एक कंपाउंड प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। ओके, अगला आपका है डबल प्रीपोजिशन, ये क्या होते हैं, इसमें कह रहा है कि दिस प्रीपोजिशन आर अ कंबाइनेशन ऑफ टू इंडिविजुअल प्रीपोजिशन, यानी दो इंडिविजुअल प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से आपके डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं, जिसमें आपका आउट ऑफ आता है, आउटसाइड आता है, आउटसाइड ऑफ आता है, फ्रॉम बिहाइंड आता है, फ्रॉम देन लेथ आता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। और जितने भी प्रीपोजिशन है उनको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि हाँ प्रीपोजिशन ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग एग्जांपल में यूज किए जाते हैं। जैसे ही कैम फ्रॉम बिहाइंड द वॉल, तो यहाँ पे फ्रॉम बिहाइंड क्या है, ये डबल प्रीपोजिशन है, क्योंकि डबल प्रीपोजिशन आ रहा है। माई फादर गिफ्टेड मी अ न्यू वॉच आउट ऑफ लव, तो यहाँ पे आउट भी आपका प्रीपोजिशन है, ऑफ भी आपका प्रीपोजिशन है, तो दो प्रीपोजिशन आप यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। अगला है आपका फ्रेसेस प्रीपोजिशन, तो इसमें कह रहा है कि दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रीपोजिशन, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं सिंगल प्रीपोजिशन की तरह, एंड दी इंक्लूड अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ, इन एडिशन टू, इन रेफरेंस टू, ऑन अकाउंट ऑफ, अलॉन्ग विथ, नो अकाउंट ऑफ, विथ रेफरेंस टू, इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन के अंदर आती है। जैसे एग्जाम्पल इंस्टेंट ऑफ मृदुल हिज ब्रदर कम एंड अपोलोजाइज, तो यहाँ पे मृदुल क्या है, मृदुल आपका क्या है, एक फ्रेस प्रीपोजिशन है, इंस्टेंट ऑफ ये आपका क्या है, एक फ्रेस प्रीपोजिशन है। अगला कह रहा है कि द प्रोग्रामर शुड बी ऑर्गेनाइज इन अकॉर्डेंस विद, तो इन अकॉर्डेंस विद क्या है आपका, विद द नॉर्मस ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद क्या है आपका, एक फ्रेस प्रीपोजिशन है। अगला है यू मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू क्या है,
आपका एक फ्रेश प्रीपोजिशन है। और अगला आपका है सोल्जर्स डाई इन अ वॉर फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्रीज, तो यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ क्या है आपका प्रीपोजिशन है। क्लियर, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपके कवरअप हो चुकी होंगी, प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।